के हमारे पंचायत की लोग की सहायता से और सभी कमेटी की सदस्य की सहायता से हमारे मेबू जी और सभी मीटिंग जैसे किए रात में, हम कहे तो बाढ़ की पानी जैसे हम लोग का जैसे रोड पर चल रहा है, ये माता का जैसे मंदिर का जैसे चारों बगल से पानी घेर लिया, तो हम लोग विचार किए कि एक सती के लिए रामचंद्र जी समुद्र में सेतु बांध दिया तो हमारे मेबू बाबू यहाँ जैसे पानी तो क्या है, उसको भी हम भी बांध कर जैसे माँ की दर्शन सभी भक्त जन्म कराएंगे और हम भी करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दुखरन यादव हुआ। दुखरन, कौन कहता है भक्ति में शक्ति नहीं? बताते चले दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड के नयाम छतौना पंचायत के गुरहारी निवासी अमरेश यादव उर्फ मेघू यादव ने वो कर दिखाया है जो कि आपने कभी रामायण काल में ये चीज सुना होगा। जी हाँ, आपने रामायण काल में ये सुना होगा कि सीता माता की खोज में जब उन्हें सागर बीच में मिला तो रामचंद्र जी ने वहाँ पत्थर का सेतु बना दिया। सारी पूजा अर्चना में समाज का सहयोग है और पूजा पानी बढ़ते के क्रम में हम जो है सही सोचते क्या क्या काम व्यवस्था भी नहीं था, कहीं से न पंचायत प्रतिनिधि विपिन कुमार शाह जी के भी कोई भी नहीं था, तब सोचे क्या किया जाए, तो समाज से ग्रामीणों के द्वारा टेलर माना के जुड़ने का काम किया, 10 साथियों को बुला करके पूजा यात्रा को स्थगित होने के कारण जो है से हर गांव से इस पंचायत से चारों गांव से टेलर ला करके जोड़ा गया, सब लोग का सहयोग रहा, यही हुआ। अभी तक कहीं कोई किसी पंचायत प्रतिनिधि हो या माननीय सांसद जी हो या एमपी साहब हो, कोई आदमी का आवेदक इस पर निगरानी नहीं है। और अगले बार आए थे मनोज सहनी जी, हम लोग का विधायक जो है, कहे थे इस रोड को करवा देंगे 10 फीट 50 फीट और इधर से ढलाई करवा देंगे, तो बोले ठीक करा, अभी तक नहीं हुआ, आज तक नहीं है। खाना आया है जी सर, अभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था, मंदिर चारों साइड से पानी से घिरा हुआ था, तो फिर क्या किए आप लोगों ने पूजा अर्चना करने के लिए? वीडियो में बने रहिएगा। वहीं जीता जागता साबूत है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। वहीं गुरहारी निवासी अमरेश यादव उर्फ मेघू यादव ने वो कर दिखाया है जो कि आपको सोचने पर मजबूर हो जाइएगा। उन्होंने यह कहा कि जब दूसरे रोज
मुझे पता चला कि पूरी तरह मंदिर पानी से घिर गया है, जो कि हनुमान नगर प्रखंड जो है वह बाढ़ प्रभावित इलाका है। वहां हर जगह हर साल की भांति यह जो है इस बार जो सैलाब आया उसमें मंदिर के चारों साइड पानी ही पानी नजर आया। फिर उन्होंने कहा कि माता ने मुझे शक्ति दिया और ये युक्ति निकालने का मेरे दिमाग में सूझा और मैंने चंदा करके एक ट्रैक्टर का टेलर जो कि 32 टेलर लगाकर माता के स्थान तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को मैंने सेतु बना डाला। जबकि रामचंद्र जी रामायण काल में सीता माता की खोज के लिए जब निकले तो उन्हें लंका जाने में सेतु की आवश्यकता हुई, जिसमें उन्होंने सागर पे पत्थर का सेतु बना दिया। लेकिन आज के डेट में एक ऐसा वीर वही है जो व्यक्ति शक्ति से ही अपने आप को दर्शाता है। उन्होंने कहा माता के शक्ति का यह प्रारूप है जो कि आज जीता जागता साबूत है। उन्होंने कहा कि सिरनिया गुरहाड़ी उचौली हनुमान नगर नरसारा एवं दर्जनों गांव से उन्होंने टेलर चंदा किया और सेतु बना दिया। जी हाँ, आपने कभी ये तो जरूर सुना होगा कि दुर्गा पूजा का जो आयोजन होता है वह चंदा करके किया जाता है, लेकिन आज तक ये नहीं सुना होगा कि माता के मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को टेलर का भी चंदा किया जाता है। उन्होंने यह कर दिखाया कि टेलर का चंदा करके लगभग 32 टेलर लगाकर माता के दरबार तक पहुंचने में उन्होंने टेलर का एक सेतु बना दिया, जो कि माता के दरबार तक श्रद्धालुओं को आने जाने में काफी कठिनाई होती थी। उन्होंने यह कहा कि इस क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने पहले आश्वासन दिया था कि वहां माता के दरबार तक जो है रोड बनेगा, लेकिन रोड नहीं बन सका और चारों साइड बाढ़ की पानी के सैलाब में घिर गया। फिर माता ने मुझे यह आंदन किया माँ से और माँ ने मुझे यह सुझाव दिया और मैंने गांव-गांव से टेलर चंदा करके 32 टेलर लगाकर माता के दरबार तक श्रद्धालुओं को पहुंचने के लिए सेतु बना डाला। मैंने अभी कितना टेलर आप लगाए हैं? सर 27-30 टेलर लगाया हुआ। कहां कहां से व्यवस्था की? सर ये टेलर 10-11 बुढ़ारी गांव का है, कुछ भवानीपुर का है, कुछ न्याम का है, कुछ जो है उचौली का है, कुछ छताना का है, सिरनिया का टेलर लमसम है। मैंने कितने गांव से टेलर मंगा लिए? 4 या 5 गांव से टेलर है। मैंने कैसा मन में विचार हुआ इस तरह का? आपको विचार क्या, भगवती का कृपया है। जब यहाँ का मान लीजिए समाज का अध्ययन था और भगवती का कृपया था, हम पर उनका सहाय था, जो कहे हम किए, हम क्या कर सकते हैं। जब जिंदा कोई नहीं होगा, जिस पंचायत का मुखिया तक नहीं हुआ, मुखिया जी का वो था टेलर में सवेरे फोन किए प्रेम कुमार राय को, तो कहा नायक क्या कीजिएगा, बोले भैया मम्मी में रास्ता बनाए, तो कहे मेरा अपने तरह का काम है। इस पंचायत का तो ये हाल है, मुखिया का पीओ डी तक नहीं जाता, सर का काम है, इससे वैसे क्या कर सकते हैं अपन। मैंने मंदिर के स्थान तक जाने के लिए आपने ट्रैक्टर के टेलर का उपयोग किया? जी जी जी, नहीं करते सर, श्रद्धालु कैसे जाते, परिवार को गए तो तृतीया का हो गया पानी, उस दिन से श्रद्धालु अगर नहीं गए तो फिर सोच आप करें क्या। लेकिन माता ने रात में अपना दिमाग में बैठे कि काम करो, कर लिए। मैंने कितना काम से मांगे? 7 गांव से मांगे जी। हमने सुना था चंदा लेकर के लोग पूजा अर्चना करता है, लेकिन आप आज पहली बार सुन रहे हैं कि ट्रैक्टर का टेलर चंदा किया। सर जी चंदा लेकर तो पूजा होगा करते, हमारे चंदा इंटरनेशनल भिखारी ही था जो पूजा पाठ कर रहे थे, रामकृष्ण मंदिर भी लोग बनाए हुए हैं, इनका भी वही स्थापना करे गए हैं। और रह गया बात पानी हो गया, टेलर भी चंदा करके हमने रास्ता बना दिए, फिर समाज का टेलर पहुँचा देंगे। मैंने कितने गाँव से लिए? 5 गाँव 4 गाँव 5 गाँव से सर। 5 गाँव से टेलर लेकर नहीं बोलेंगे, उसके बावजूद भी हम फास्टिंग में रहते हैं सर, ऐसा नहीं है। मैंने 5 गाँव से टेलर चंदा कर लिए। जी जी जी।
ये पहली बार ऐसा घटना देख रहे हैं कि टेलर से रास्ता लोग आपको सेटिंग करके करता है या कोई पंडा लगा करके करता है या कोई लोहा का ये रास्ता बनाता है, लेकिन आपने तो टेलर से बना दिया। सर हम क्या करें, यहाँ जो श्रद्धालु का कष्ट देख करके हमको अपना दिल में दर्द होने लगा। हाकिम में थे अपने गए पे खाली पे गिट्टी कर रहा था, इसके कारण क्या करे तो करे कर रात में एकाएक भगवती का किक्का हुआ हम पर, मैं दिमाग लगाए क्या करे, ठेला ला करके चालू करवा दिया रास्ता। क्या नाम हुआ आपका? नाम हमारा हो गया अमरेश कुमार में उठी ग्राम बुधारी थाना आघात दरभंगा बिहार। ये कहाँ हो रहा? ये हो रहा बुधारी में नियम सदना पंचायत हुआ। दुर्गा पूजा इसलिए किया जाता है हमारा पूर्व समय से जो है अपने काम के लिए, कल्याण के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिला के लिए, पूरा विश्व के लिए, यही से सब सुखी हो, कोई ना हो भुखारी, सबके कल्याण के लिए माँ भगवती का पूजा किया जाता है। और प्रथम गुरु जो है माँ होता है, इसलिए पूरे भाव से हम लोग माँ जगह चले जगदम्बा को आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। अच्छा दुर्गा है? दुर्गा एक शक्ति है, आदि भवानी है। माने कैसे इनका उत्पन्न हुआ? इनका उत्पन्न है एक माया है, उस माया के रचना द्वारा जो है इनका उत्पत्ति हुआ है। जो देश का परिस्थिति अनुकूल अनेक प्रकार के अशुभ को वध करने के लिए इनका प्रकट हुआ है। इस धरती पर दुर्गा जी का पहला पूजा किसने किया था? इस धरती में पहला पूजा जो है भगवान के भक्ति के उत्पन्न के लिए हम जैसे ही भगवान, जैसे कि इस मिथिलांचल में भगवान जो है विद्यापति हुए परिचित रूप में, उनकी आराधना के लिए उन्होंने शंकर भगवान का जो इस पृथ्वी पर पुनः रूप लेकर किया है, वैसे ही हम जैसे ही मानव सर्वप्रथम आकर के माँ भगवती का पूजन पाठ किया। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम चंदन विश्वा। क्या है आप? आचार्य किए हुए हैं जी। दुर्गा पूजा कर रहे हैं, क्या लोगों को बधाई संदेश देंगे, क्या लोगों को आस्था और विश्वास क्या होना चाहिए? श्री श्री एकायरा माँ दुर्गा पूजा समिति बुरारी के तरफ से आप सभी ग्रामवासियों, पंचायत वासियों और देशवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। साथ ही एक संदेश देना चाहता हूँ कि माँ दुर्गा पूजा एक शक्ति की पूजा है, इसलिए माता के प्रति आस्था और विश्वास रखना चाहिए। जय माता। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार राय। कहाँ घर हुआ? ग्राम बुरारी पोस्ट मसारा थाना आया जिला दरभंगा। था